प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि कुछ ऐसे तरीके खोज रखे थे जिससे वह लंबे समय तक बीमारियों से मुक्त होकर अपना जीवन जी सकते थे। आज के इस वीडियो में उन्हें नियमों के प्रमुख नियमों के बारे में वर्णन करेंगे जो बहुत ही आसान, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति, आदमी या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, कोई भी इसे अपनाकर बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकता है। इस नियमों को समझने से पहले यह समझिए कि हमारे ऋषि मुनि सूरज डूबने के बाद भोजन क्यों नहीं करते थे। चरक संहिता में इसका कारण का उल्लेख करते हुए बताया है कि पाचन क्रिया के करने के लिए झट्ठर अग्नि होता है, जिसे कुछ लोग पाचन अग्नि के नाम से भी जानते हैं, और यह झट्ठर अग्नि सूरज के संपर्क में आकर अच्छा तरीके से काम कर सकता है। और जब सूरज डूबने के बाद कोई मनुष्य भोजन करता है तो रात के समय उसका झट्ठर रस उतना अच्छे से क्रिया नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण धीरे धीरे पाचन क्रिया का काम रुकने लगता है और इसी कारण शरीर में बीमारियों का कारण शुरू होने लगता है। यही से बीमारियों का मूल पैदा होता है। अगर इस मूल को यहीं पर खत्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो यह शरीर जीवन भर बीमारियों से मुक्त रहेगा। समझने वाली बात यह है कि जब हमारा झट्ठर रस सही से काम नहीं कर रहा होता है तो उस समय हमारा प्राण अग्नि के काम करना पड़ता है। प्राण अग्नि एक बार में एक ही काम ले सकता है। जब प्राण अग्नि पाचन क्रिया में लगता है तो हम गहरी नींद नहीं ले पाते। इसलिए लोग 8 से 9 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठते हैं तो लोग थके थके महसूस करते हैं। प्राण अग्नि की जो ऊर्जा हमारे शरीर को ठीक करती है और धीरे धीरे समय के साथ अपने बीमारियों को ठीक कर लेती है, इसके लिए आपको रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेनी चाहिए, ताकि झट्ठर अग्नि, जो कि सूर्य के संपर्क में ज्यादा अच्छे से काम करती है, वह आपका भोजन को जल्दी पचने में मदद करेगी, जिसके वजह से आपकी प्राण शक्ति दूसरे काम कर सकती है। मान लीजिए आप शाम के 6 o'clock से 7 o'clock बजे के बीच भोजन करते हैं, उसके बाद 10 बजे के करीब सोने जाते हैं, और यह जो 2-3 घंटे होते हैं उसे समय तक आपका ज्यादातर भोजन पांच चुका होता है और बाकी का भोजन रात्रि का 2 o'clock तक पांच जाता है, और उसके बाद आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर को ठीक करने में लग जाता है, आपकी बीमारियों को ठीक करने लगता है, और यह वह समय होता है जब आपका शरीर जहर मुक्त होने लगता है। इस प्रक्रिया को अर्ध उपवास कहा जाता है, जिसकी पूरी अवधि 16 घंटे की होती है। जो लोग 16 घंटे के उपवास करने में सक्षम नहीं है वह 12 घंटा उपवास कर सकते हैं, यानी कि अगर अपने रात्रि में 7 बजे भोजन किया है तो आप अगले दिन सुबह 7 बजे भोजन करें, जिससे कि आपकी शरीर की करीब 5 घंटे मिलता है ठीक करने के लिए। इस अर्ध उपवास में क्या प्रक्रिया घटित होती है हमारे शरीर में, पहले आप इस समझिए। जब हम और अर्ध उपवास करते हैं तो हमारा शरीर को पूरी तरह से भोजन नहीं मिलता है, जो कारण से हमारा शरीर खून में होने वाले बैक्टीरिया को खाने लगता है। इसी कारण से हमारा शरीर शुद्धिकरण होने लगता है। सिर्फ 21 दिनों के लिए जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपना लेता है उसकी त्वचा में निखार आने लगता है, उसकी बाल गिरना काम हो जाती है, सुबह अच्छी ताजगी होती है, रात को नींद गहरी आती है और मानसिक तनाव बिल्कुल मिट जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि अर्धोपवास करने से शरीर कमजोर हो जाएगा, लेकिन अर्धोपवास करने से शरीर का फैट कम होने लगता है, इसलिए शरीर की क्षमता बनी रहती है। अब तक आपने समझ चुका होगा कि आपका प्राण शक्ति आपके बीमारियों को ठीक करने के लिए किस प्रकार काम करता है और आपको किस समय भोजन करनी चाहिए, जिससे आपका प्राण शक्ति पूरी ऊर्जा के साथ काम करे। इसके बाद जो समझने वाली बात है वह यह है, आज के इस दैनिक जीवन में आदमी काम करते करते दिनचर्या छोड़ देता है, वह किस प्रकार भोजन करें, अगर वह रात के समय काम करता है तो उसे किस प्रकार भूखे रहे, क्योंकि उसे आदत हो चुकी है। देर से खान की कुछ लोग के साथ समस्या है कि वह भूखे नहीं रह सकते, थोड़े थोड़े देर में उन्हें भूख लगती रहती है, तो ऐसे लोग किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, और अगर 16 घंटे का आप उपवास कर रहे हैं तो आपके बीच बीच में कुछ जूस लेना होगा, जिससे आपका शरीर में भी नमी बना रहेगा और आपकी शरीर की जहर हटाने की प्रक्रिया में भी तेजी आ सकती है। अगर आप रात्रि का भजन 7 o'clock कर लेते हैं, आपको 10 o'clock बजे तक भूख लगेगी। जब आपको भूख लगे तो आप नारियल पानी पी सकते हैं, इससे बहुत सारे फायदे भी होंगे और आपका शरीर में जो भी जहरीला पदार्थ भी अधिक तेजी से खत्म होने लगेगा। और जिन लोगों का वजन अधिक है वह थोड़ी गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पी सकते हैं, जिससे उसका अद्भुत लाभ होगा। कुछ दिनों में उसे लगेगा कि उसके वजन में बहुत तेजी से कमी आने लगी है। और जिस लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाती है,
उन लोगों को यह सब नहीं करना चाहिए। रात को त्रिफला चूर्ण भी लिया जा सकता है, यह भी बहुत लाभकारी होता है। सुबह आपका पेट अच्छा तरह से आपका पेट साफ होगा। और जिन लोगों की हृदय रोग होती उन लोगों को सुबह की नाश्ता में कद्दू या किया का जूस अवश्य लेनी पड़े ही चाहिए। यह उसकी शरीर की गंदगी को निकालने के लिए और हृदय के लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है। जिन लोगों की पाचन क्रिया अच्छी नहीं है उन लोगों को अजवाइन जीरा गर्म पानी में मिलाकर पीने से उसको पाचन क्रिया में सुधार हो जाती है। और जिससे लोगों को अर्ध उपवास करने में दिक्कत नहीं होती है और जिन्हें बार बार भूख लगती है ऐसे लोग गर्म पानी में शहद मिलाकर पी सकते हैं, उनकी भूख को मिटा देगा और शरीर की गंदगी को निकालने में बहुत ही कारगर साबित होगा। जिन लोगों को ज्यादा जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं वह हफ्ते में 2 दिन उपवास कर सकते हैं, पर 5 दिन बाद वह भर भर के खाते हैं जिससे उनकी कोई भी फायदा नहीं होता है और जिससे उसकी कोई भी फायदा नहीं होता। अर्ध उपवास धीरे धीरे रिजल्ट दिखाता है मगर यह रिजल्ट हमेशा के लिए रह जाता है। इसमें एक बार जो फायदे हो गए वह बहुत दिनों तक फायदा देता रहेगा और यह उपवास हर कोई नहीं कर सकता। जो लोग खेल में रुचि रखते हैं वह यह उपवास नहीं कर सकते और क्योंकि उन्हें हर दिन डाइट में रहना पड़ता है। इसी तरह बच्चों को भी अर्ध उपवास नहीं करनी चाहिए। जो लोग अर्ध उपवास का पालन अच्छी तरीके से पालन करते हैं उन लोगों को 90% बीमारियों ठीक होने लगता है और जिन लोगों को बीमारी नहीं है वह अर्ध उपवास करके अपने शरीर में जितने भी गंदगी है उसे कुछ दिनों में ही निकाल सकते हैं। तो यह ऋषि मुनियों का ठीक होने का अचूक मंत्र था। उसका उल्लेख चरक संहिता, आयुर्वेद, हर जगह इसका उल्लेख मिलता है।